हेलो एवरीवन, आज हम बनाएंगे वेज में यानी चीज़ सैंडविच, जो बच्चे बड़े सभी को बहुत पसंद आती है और झटपट बनके तैयार भी हो जाती है और बच्चे के लंच में देने के लिए तो बहुत अच्छी रेसिपी है। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने कुछ वेजीज ली है, जैसे एक मीडियम साइज़ के टमाटर को मैंने बारीक काट के ले लिया है, एक मीडियम साइज़ के शिमला मिर्च को भी मैंने बारीक काट के ले लिया है और एक मीडियम साइज़ के प्याज को भी मैंने बारीक काट के ले लिया है। यहाँ पे मैंने एक छोटी हरी मिर्च को भी बारीक काट के लिया है। आपके बच्चे खाएं तो डालें वरना स्किप कर दें। अब यहाँ पे एक चम्मच भर के हम इसमें तंदूरी मेयोनीज डालेंगे और फिर स्वाद अनुसार इसमें हम नमक डालेंगे और इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। यहाँ पर मैंने एक चौथाई चम्मच काली मिर्च का पाउडर भी डाला था, कैमरा ऑफ होने की वजह से सूट नहीं हो पाया। अब ब्रेड की स्लाइस लेंगे, अब उसमें हम ये टमाटो सॉस को अच्छी तरह से इसके ऊपर इस तरीके से लगा देंगे चारों तरफ फैलाते हुए। फिर हमने जो ये वेजीज का मिश्रण तैयार किया है इसके ऊपर दो तीन चम्मच भर के हम डालेंगे और अच्छे से ब्रेड के ऊपर फैला लेंगे। अब यहाँ पे मैंने ये मोजरेला चीज ली है, इसके ऊपर इस तरह से हम अच्छे से डाल देंगे। यहाँ पे आप स्लाइस चीज़ हो तो वो भी ले सकते हैं और फिर दूसरे ब्रेड पे भी हम इस तरह से टमाटो सॉस लगा देंगे। आपके पास हरी चटनी हो तो वो भी लगा सकते हैं। फिर ब्रेड को हम इस तरह से दबाते हुए इसके ऊपर से लगा देंगे और फिर तवा पे थोड़ी सी बटर या घी जो हो आपके पास इस तरह से लगाएंगे और सैंडविच को इसके ऊपर हम डालेंगे और उसके ऊपर भी हम बटर को अच्छे तरीके से लगा देंगे और इसे एक तरफ से अच्छा क्रिस्प होने तक हम इसे सैंडविच को सेक लेते हैं। गैस के फ्लेम को लो रखेंगे तभी सैंडविच हमारी अच्छी तरह से सिकेगी। तो एक तरफ से ये सिक चुकी है, इसे हम पलट लेते हैं और दूसरे तरफ से भी अच्छा क्रिस्प होने तक हम सेकेंगे। तो सैंडविच हमारी सिक चुकी है, इसे अब हम निकाल लेते हैं और मैं आपको इसे कट करके दिखाती हूँ कि देखिए सैंडविच कितनी अच्छी बनी है। बहुत ही कम समय में फटाफट से बनके तैयार हो जाती है। तो सुबह सुबह बच्चों के लंच के लिए एक हेल्दी ऑप्शन है और इसके साथ आप कोई फ्रूट भी दे दें बच्चे को, इसे बड़े भी ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और झटपट बनके भी तैयार हो जाती है। तो वीडियो पसंद आई हो, मेरी मेहनत पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें।